हुए कार्यक्रम छोटे स्तर पर ही आयोजित किया गया। इस दौरान महोत्सव में स्थानीय कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सरगुजा आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और भरतपुर सोनहत विधायक गुलाब कमरो ने शिरकत की। साथ ही मनेन्द्रगढ़ विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल भी मौजूद रहे। सबसे पहले तो आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं पूरे जिले वासियों को, पूरे प्रदेश वासियों को। इसके साथ ही इस महोत्सव का उद्देश्य यह है कि लंबे समय से जो 15 साल से अमृत धारा उपेक्षित रहा, बहुत सारे ऐसे लोग बने, भगवान राम का आगमन इस अमृत धारा में हुआ था, इसलिए आने वाले दिनों में इस अमृत धारा को भी रामगमन पथ यात्रा से इसको जोड़ा जाएगा। आने वाले दिनों में इसको हम विकसित करेंगे ताकि यहाँ से बाहर के पर्यटक लोग आए, ताकि यहाँ के क्षेत्र के लोगों को रोजगार का भी एक अवसर मिल सके। पूरे क्षेत्रवासियों को महाशिवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं। आज अमृत धारा के बहुत ही रमणीय पर्यटन स्थल जो पूरे कोरिया जिले का अपने आप में सबसे ख्याति लब्ध है, और हमारी सरकार बनने के बाद लगातार जो एक अमृत धारा महोत्सव के रूप में महाशिवरात्रि के समय में ये कार्यक्रम आयोजित लगातार हो रहा है, और इसे इस क्षेत्र को पहचान भी मिल रहा है और लोगों को रोजगार मिल रहा है यहाँ।